नमस्कार मित्रों, मैं सुशील चौहान बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। मित्रों, आज मैं बनारस से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चंदौली जिले में आया हूं, जहां मैं आप सभी को बलुआ घाट दिखाने वाला हूं। इस घाट का एक अलग ही महत्व है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ स्नान कर पवित्र होने के लिए आते हैं। ये जो आप गली देख रहे हो, देखने में तो काफ़ी सकरी है, लेकिन यहाँ से टू व्हीलर फोर व्हीलर वाहन आसानी से घाट के किनारे तक चले जाते हैं, जैसा कि आप सभी मेरे वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे। मैं आप सभी को घाट के किनारे से बलुआ घाट की छटा दिखाने वाला हूँ। अभी मैं इसी गली में हूँ, यहाँ से उतरते हुए मैं घाट के किनारे तक चलूँगा। आप सामने जो पुल देख रहे हो, वह बलुआ घाट का पुल है, जिसका लोकार्पण हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। आइए दोस्तों, हम घाट के नीचे उतरकर चलते हैं और आप सभी को घाट के किनारे से घाट की छटा दिखाते हैं। तो वीडियो पर बने रहिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। आइए मित्रों, अब हम घाट के किनारे सीढ़ियों के द्वारा उतरते हैं। बलुआ गंगा घाट तट पर प्रतिदिन लोग स्नान व दान करने आते हैं। यह बलुआ घाट वाराणसी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि लोग स्नान कर पवित्र होने के लिए यहाँ आते हैं। इसी घाट के बगल में ही बॉडीज का अंतिम संस्कार भी किया जाता है, जिससे उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। यहाँ पहले पुल नहीं हुआ करता था, लेकिन अब बलुआ पुल भी बन गया है। जब प्रधानमंत्री 22 सितंबर 2017 को बनारस आए थे, तो बनारस से ही इस ब्रिज का उद्घाटन किए थे, जिससे चहनिया, धानापुर, सकलडीहा आने जाने वाले लोगों को काफ़ी राहत मिलता है। दोस्तों, हम घाट के किनारे तक पहुंच चुके हैं। ये देख सकते हो आप घाट। घाट पर ही कुछ गाने बजाने की आवाज़ भी सुनाई दे रहे होंगे। आप देख सकते हो घाट पर काफ़ी भीड़ है और लोग स्नान कर रहे हैं। फाइनली दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।